चलिए सभी मैच ऑफिशियल्स एक साथ ही मैचेस एक तरफ है गुजरात तो दूसरी तरफ है दिल्ली की टीम। दिल्ली और गुजरात के बीच ही मैच है। कुछ भी करेगी गैलरी है कैप्टन जी जो प्लेयर्स फसले गावी करी गैलरी में भी बनता लाइजनिंग डिपार्टमेंट के सर्व वॉलंटियर्स लाइजनिंग डिपार्टमेंट माझ्या उजवी डावीकडे जी गॅलरी त्या ठिकाणी प्लेयर्सना बसण्याची विनंती करतो। आज यहाँ पे महाराष्ट्र की कबड्डी में जिन्होंने सचमुच बहुत बड़ा योगदान दिया राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के कबड्डी के सूरज का कभी अस्त होने नहीं दिया ऐसे पुरस्कार से सम्मानित विजेती चित्रा नाबर केलकर छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित शैला रायकर पेडणेकर छत्रपति पुरस्कार से विभूषित आशा गायकवाड़ जी शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित तथा विजय राणे शेलार जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं इन पांचों ही मेहमानों का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माया अकरे जी अर्जुन पुरस्कार चित्रा नाबर केलकर छत्रपति पुरस्कार शैला रायकर पेडणेकर छत्रपति पुरस्कार संघांकडे जा तुम्ही बॅडमिंटन हॉल जवळ फर्स्ट स्कोर गोवा वर्सेस बिहार यूपी वर्सेस केरला हरियाणा वर्सेस हिमाचल प्रदेश तामिळनाडू वर्सेस राजस्थान आय रिप्रेझेंट टीम एंड टीम रेडी फर्स्ट स्कोर गोवा वर्सेस बिहार यूपी या स्पर्धेतील संघटन समितीच्या कार्यकर्त्यांना सूचना करण्यात येत आहे की आपण आपले जे आयडेंटिटी कार्ड्स आहेत ते आपल्या गळ्यामध्ये
7 स्कोर है भाई साथियों, दो पॉइंट की लीड इस समय दिल्ली के पास है। एक और पॉइंट, 6-7 स्कोर हो गया। स्कोर बराबर हो गया भाई 7-7। स्कोर फिर बराबर भैया 8-8। सरकार का प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा महाराष्ट्र सरकार का शिव छत्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री राजू भावसार जी यहाँ पे उपस्थित हैं, श्री गणेश शेट्टी जी की भी उपस्थिति यहाँ पे प्राप्त हुई, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती रमा सरकार जी, श्री विश्वजीत पालित जी अर्जुन पुरस्कार विभूषित यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। 12-14 स्कोर, 2 पॉइंट के लिए अभी गुजरात के पास।
13-14 स्कोर हो गया भाई, 13-14 स्कोर। स्कोर बराबर हो गया भाई, 14-14 स्कोर बराबर। सोलह सत्रह स्कोर। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री राम मेहर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं राम मेहर जी से अनुरोध करूंगा आप मुख्य मंच पे आ जाएं। श्री विश्वास जी महोदय आपसे मैं अनुरोध करूंगा राम मेहर जी को सम्मान के साथ मुख्य स्टेज पे लेके जाएं। राम मेहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा दिख रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, ऑलवेज हैंडसम। आइए प्लीज ऊपर आइए। राम भाई 16-18 स्कोर था, क्या ही सुपर रेड हुआ। बिल्कुल भाई सुपर रेड है, स्कोर हो गया 19-18, एक पॉइंट की लीड आ गई दिल्ली के पास। इस ऑल आउट के साथ भाई 4 पॉइंट की लीड आई दिल्ली के पास, 19-23 स्कोर हो गया। मध्यांतर के साथ 20-23 का स्कोर हुआ, 20-23 3 पॉइंट की लीड दिल्ली के पास है। फिर स्टार्ट होता हुआ एक बार सारे नाम बोला
लीड रह गई मात्र दो पॉइंट की दिल्ली के पास। रेड आई स्कोर 21-24 तीन पॉइंट की लीड में। गोवा विरुद्ध बिहार, उत्तर प्रदेश विरुद्ध केरल, हरियाणा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु विरुद्ध राजस्थान यानंतर होणारे अतिशय गोवा विरुद्ध बिहार, उत्तर प्रदेश विरुद्ध केरल, हरियाणा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु विरुद्ध राजस्थान। प्रतिभागी के रूप में जो टीमें यहाँ पे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि राइट साइड की गैलरी में से आप, मैं सभी टीमों के खिलाड़ी से अनुरोध करूंगा कि राइट साइड की यानी स्टेज के राइट साइड में जो गैलरी है वहां से आप हट जाएं और लेफ्ट साइड में जो गैलरी वहां पे बैठें, वहां का जो रास्ता सीट है आपको चेंजिंग रूम यानी बैडमिंटन हॉल के पास ले जाएगा, आपको सुविधा। 25-26 स्कोर था, इस समय 25-28 स्कोर हो गया इस सुपर इस मल्टी पॉइंट रेड के साथ। Thank you.
जिस तरह से जितेंद्र ठाकुर साहब हमने प्रॉमिस किया था कि मैचेस हम एग्जैक्टली समय पे शुरू कर देंगे, उसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। और जो हमारी टीम बनी है श्री शशिकांत जी गाड़े इनकी अगुवाई में, विश्वास मोरे जी, जितेश शिखंडी जी, इन सब लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें पूरी की पूरी सफलता हमें प्राप्त हुई। दूसरी मैच एग्जैक्टली हम 7 बजे शुरू करेंगे। पहली मैच टाइम पर 5 बजे शुरू होगी, दूसरी मैच 6 बजे और तीसरी मैच 7 बजे। समय का हम पालन करेंगे, ये अच्छी शुरुआत। और खास करके 28-34 स्कोर है भाई, 28-34 इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी मार्गदर्शन इन्हें बहुत मिला और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमेशा उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और एक अच्छी शुरुआत है महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में, साई बाबा की इस आशीर्वाद में, मंगलमय पवित्र भूमि में। भाई स्कोर की बात करें तो 30-36 स्कोर है और मुकाबले के भाई साथियों अंतिम क्षण चल रहे हैं, बिल्कुल स्कोर है 30-36, एक पॉइंट और मिलता हुआ दिल्ली को, 7 पॉइंट की लीड आ गई दिल्ली के पास। भाई अंतिम 5 मिनट का समय शेष है, 32-38 स्कोर है, 6 पॉइंट की लीड इसमें दिल्ली के पास है। अंतिम 4 मिनट और लीड है 5 पॉइंट की, 33-38 स्कोर। चौंतीस अड़तीस भाई रोमांचक हो रहा है मुकाबला।
कितीला तू सातवीला आणि हे काम करते हे कशाला इथं तुम्ही कशाला आले इथं बघायला आलं तर कशाला आलते इथं सम्माननीय अध्यक्ष श्री दिनेश पटेल साहब उनको उपस्थित है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए पूरे देश की कबड्डी के लिए बहुत बड़ा योगदान तथा समर्पण की भूमिका जिन्होंने अपनाई श्री दिनेश पटेल साहब आपका बहुत बहुत अच्छे मन से हम स्वागत करते हैं। हम महाराष्ट्र भूमि में दिनेश पटेल साहब ऐसे ही आप काम करते रहेंगे और कबड्डी खिलाड़ियों को आशीर्वाद आशीष आप देते रहिए ऐसे में प्रार्थना करता हूँ। दिनेश पटेल जी भाई क्या अगर निकल गया सारे में से निकला है कितने पॉइंट है भाई एक दो या तीन काउंटिंग चालू है भाई अभी दो पॉइंट है भाई तो तौबा जरूर किया जा रहा है। एक समय ऐसा लगा था कि भाई कम से कम तीन पॉइंट है डू और डाई रेड है और 36-40 स्कोर है भाई स्कोर है 36-40 अगर यहाँ कैच हुई तो दिक्कतें बढ़ेंगी दिल्ली की लेकिन वही पॉइंट कैप्ट कर दिया एक 36-41 36-41 स्कोर मुकाबला समाप्त होता था तो चार पॉइंट से बाजी मारी है दिल्ली की टीम ने 37-41 के साथ बाजी मारी दिल्ली की टीम ने। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद दोस्तों। मैदान में दो पे संघर्ष पर मैच अभी समाप्त हुई दिल्ली वर्सेस गुजरात दिल्ली 41 रन तथा गुजरात 37 रन इस मैच को दिल्ली टीम ने जीता है विजय टीम का